पाकिस्तानी मारूफ सियासी शख्सियत और मेज़बान मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की पहली और साबका अहलिया डॉक्टर बुशरा इकबाल ने अदालत में ज़ेरे समात नाज़ेबा वीडियोस लीक केस की ताज़ा सूरतेहाल से आगाह किया। इन्होंने फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए अदालत में ज़ेरे समात नाज़ेबा वीडियोस लीक केस की ताज़ा सूरतेहाल से सार्फीन का आगाह किया। इनकी शेयर करदा पोस्ट के मुताबिक कराची सिटी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत के रूबरू मरहूम एंकर पर्सन आमिर लियाकत की नाज़ेबा वीडियोस लीक करने के मुकदमे में शरीक मुलजिम यूट्यूबर की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम यूट्यूबर के मोबाइल फोन जब्त ना करने पर FIA पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तमाम फोन्स को कब्जे में लेने का हुक्म जारी किया है। इस केस में नामजद दूसरी मुलजिमा आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी और साबका अहलिया दानिया शाह अदालत में पेश हुई, जबकि FIA प्रोसिक्यूटर की गैर हाजिरी के बायस अदालत ने समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी।